छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। ट्रेन से ऐसा चीज सप्लाई कर रहा था आरोपी, अंबिकापुर से दुर्ग में करता था डिलीवरी, देखकर पुलिस भी रह गई दंग। दुर्ग रेलवे पुलिस अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी से 33 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिकापुर से शराब लाकर अवैध रूप से दुर्ग में खपाता था। इस मामले की कार्रवाई जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अंबिकापुर से शराब लेकर ट्रेन से दुर्ग आता था और उसे तय कीमत से उपबेचता था। सूचना के बाद पुलिस ने ट्रेन से ही युवक को दबोचा है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33 बोतल अवैध शराब जब्त किया है, जिसमें नंबर एक की 21 बोतल व बिना लेबल लगे 12 बोतल शामिल है। आरोपी का नाम विजय यादव कैलाश नगर निवासी बताया जा रहा है। आरोपी अंबिकापुर से दुर्ग की ओर शराब की तस्करी करता था। दुर्ग आरपीएफ और जीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही से आरोपी को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लोग अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे हैं। कल भी पुलिस ने अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपी को दबोचा है। बताया जा रहा है कि राखी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 28 नवागांव स्थित शासकीय स्कूल के पास एक व्यक्ति शराब लेकर खड़ा हुआ था। मुखबिर की सूचना में राखी पुलिस ने वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है।